एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी ना सुबह का ब्रेकफास्ट बन रहा है और आज है ना ताजी नहीं लेफ्ट ओवर जो फूड होता है ना बस उसी का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो रात को चावल बचा लिए थे मैंने, काफ़ी सारे बचा दिए थे जानबूझ के, तो बस उन्हीं को मैं ना कहते ना वघार के जो चावल बनाते हैं वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज हरी मिर्च को भून लिया, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी मैंने डाली थी छोटी वाली राई, इन सब चीज़ों को भून के फिर प्याज हरी मिर्च भून ली। उसके बाद मैंने हल्दी नमक और थोड़ी सी मिर्ची डाली है क्योंकि चावल में ना हमको तीखा नहीं अच्छा लगता, तो बिल्कुल मामूली सी मिर्ची डाली। उसके बाद टमाटर डाल दिए और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लूँगी। टमाटर यानी गल जाए ना तब तक भून लेंगे। उसके बाद जो रात के चावल रखे थे वो मैंने यहाँ पर डाल दिए। और आपने देखा ना काफ़ी सारे चावल थे, मैंने रात को जानबूझ के ज़्यादा बना लिए थे कि सुबह इनको मैं वघार लूँगी, क्योंकि सुबह ताज़े ताज़े चावल बनते हैं ना उनको इस तरह से वघार के खाऊँ तो अच्छा वाला टेस्ट नहीं आता। कभी कभी होता है ना कि लेफ्ट ओवर फूड का स्वाद अलग होता है और ताज़े फूड का स्वाद यानी ताज़े खाने का स्वाद अलग होता है, तो उसी तरह से ये जो बासी चावल होते हैं ना इनको खाने में ना कुछ अलग ही मज़ा आता है, मुझे बहुत पसंद है। तो बस हम लोगों ने इस तरह से चावल छौंक लिए और सुबह सुबह ना अभी पानी की वजह से जल्दी उठते हैं बहुत जल्दी, तो सबको जल्दी भूख लगने लगती है। तो अभी बस वही बना रही थी, मैंने कहा चलो सुबह सुबह थोड़ा बहुत खा लेंगे उसके बाद फिर अपना काम करते रहेंगे। तो यहाँ पे चावल मेरे बन गए और आप लोग खुद ही देख सकते हो कि चावल कितने अच्छे लग रहे हैं, और जितने अच्छे देखने में लग रहे थे ना उतने ही अच्छे खाने में भी थे। और काफ़ी लोग इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं लेकिन मुझे ना ये सिंपल तरीके से ही अच्छी लगती है, यानी हमारे घर का जो टेस्ट है ना वो यही है, इसी तरह से अच्छे लगते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है खाना बनाने का और खाना खाने का भी। तो यहाँ पे 3 प्लेट लगाई है, 1 प्लेट अन्नू के लिए, 1 प्लेट आरू के लिए, 1 प्लेट उसके पापा के लिए। मैं नहा कर आऊँगी उसके बाद खाऊँगी। वैसे भी मेरी तबीयत है ना आज सुबह से नहीं 2 दिन से ही गड़बड़ है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही मैं वीक थी, लेकिन आप मेरे फेस से नहीं पता पड़ पाओगे। और अभी पता है बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और मेरा आज है ना कुछ भी ढंग से काम नहीं हो पा रहा था क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे ना गैस की प्रॉब्लम हो रही थी और जब गैस की प्रॉब्लम होती है ना तो मेरा माथा चकराने लगता है। तो यहाँ पर ना मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और सब्ज़ी में देखो मैंने तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग, इलायची और साबुत लाल मिर्च और जीरा ये सारी चीज़ें डाल दी। उसके बाद मैंने यहाँ पर कटी हुई प्याज डाल दी जो कि मैंने चॉपर में काटी थी, फाइन चॉप कर ली थी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लूँगी तेल में। उसके बाद है ना जब प्याज अच्छे से भुन जाएंगी उसके बाद डालूँगी मैं बेसिक मसाले जो ड्राई मसाले होते हैं ना वही। तो यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर, सिंपल लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर सारी चीज़ों को डाल दिया। उसके बाद इनको अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स और उसके बाद पानी डालना है। पानी डालने से क्या होता है कि मसालों का जो कच्चापन होता है ना वो चला जाता है और बहुत ही अच्छे से वो पक जाते हैं। तो जब मसाले ने तेल छोड़ दिया तो मैंने यहाँ पे 2 टमाटर काट के रखे थे वो उसी में जो मेरा चॉपर है ना उसी में काट लिए और उसके बाद उनको भी डाल दिया। और यहाँ पे अब मैं 1 चम्मच है ना डालूँगी मलाई, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, 1 ही चम्मच डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट और बहुत ही अच्छा आ जाएगा, जो मसाले का जो स्वाद आता है ना वो नहीं आएगा सब्ज़ी में। तो बस यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाली है मलाई और मैं बनाने जा रही हूँ जो देसी चने होते हैं ना उनकी सब्ज़ी। तो देसी चने और आलू, थोड़े से चने पड़े थे घर पे तो फिर मैंने इनको रात को भिगो दिया था, सुबह उबाल लिया। और बस ये सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगती है ये। तो आलू वगैरह सब मैंने यहाँ पे डाल दिए और बस अच्छी तरह से ना मसाले में इसको कर दूँगी मिक्स, और बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और पता है ये सब्ज़ी का आप ऐसे ड्राई भी खा सकते हो, जैसे सूखी मैंने बनाई है ना वैसे भी खा सकते हो, लेकिन ये थोड़ी रस्ते वाली होती है ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बस मैंने पानी डाल दिया 1 ग्लास के करीबन, और उसके बाद है ना यानी मैंने बाद में थोड़ा पानी और डाला था, मुझे गाढ़ी लग रही थी। आप अपने हिसाब से डाल दें पानी जितना गाढ़ी या जितनी पतली आपको चाहिए। और उसके बाद जो ज़्यादा बड़े बड़े आलू थे ना उनको मैंने चम्मच से इस तरह से फोड़ दिया ताकि एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए सब्ज़ी में, बहुत ज़्यादा पतली भी ना लगे सब्ज़ी और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी ना लगे, बिल्कुल अच्छी क्वांटिटी की बनी थी। आप देखना लास्ट में मैं दिखाऊंगी, सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी थी, खाने में भी बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और उसके बाद यहाँ डाला है मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी मैंने डाली है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से ना सब्ज़ी का टेस्ट दुगना हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस और उसके बाद डाल दूँगी हरे धनिया। तो सब्ज़ी यहाँ पर बन के हो चुकी है रेडी, और उसके बाद बनाऊँगी पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ मैंने अपने लिए नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे वैसे भी गैस हो रही थी, तो इस तरह का ऑयली खाना तो मैं खाती नहीं, लेकिन मैंने इसलिए बना ली थी क्योंकि जय का खाना लेकर ना मुझे स्कूल जाना था, तो मैंने कहा रोटियां लेकर जाऊं उससे तो अच्छा है मैं पूड़ी बना ले जाती हूं। तो यहां पे पूड़ियां बन के रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली। और आज ना मैंने गोल वाली पूड़ी बनाई है, मैं कहा हमेशा ट्रायंगल ट्रायंगल बनाती हूं तो चलो आज गोल वाली बना लेती हूं।
तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया है, देख के ना खाने का मन करता है, ऐसा लगता है कि बस इनको अभी खा लें। ये सिंपल सा खाना है, ये खाना मैंने खाया नहीं था, बस आप लोगों के लिए ही थाली लगाई थी, तो आप लोग भी आ जाइए। और सिंपल सा खाना है लेकिन बहुत टेस्टी था सच में। लेकिन बस अगर मुझे गैस नहीं होती ना पेट में तो मैं खूब सारा खाना खाती आज, लेकिन मेरी पेट की वजह से मैंने कम खाना खाया। और उसके बाद ना यहाँ बर्तन वगैरह भी कर लिए, क्योंकि फिर राजा आने वाला था मुझे लेने के लिए, क्योंकि हम जाएंगे स्कूल खाना पीना लेके। आरू मोलू सब वहाँ वहीं पर हैं, क्योंकि राजा उसकी मम्मी पापा सब वहीं चले गए थे गांव में, तो आरू मोलू भी उनके साथ चले गए। तो मुझे ना टेंशन हो रही थी कि बच्चे भूखे होंगे, तो फिर यहाँ से मैं खाना दूध सब लेकर गई उनके लिए, और 4 बजे उनको वहाँ से लेकर भी आ गई थी, क्योंकि घर पे भी काम देखना होता है, पानी का भी काम है, और भी बहुत सारे काम है, तो फिर मैं वहाँ से जल्दी आ गई थी। तो यहाँ पे जय का टिफ़िन भी लगा रही हूँ, और जो खाना बचा था वो भी रख दें, सब्जी मैंने निकाल के रख दिए। और यहाँ पे जो पूड़ियाँ थी ना वो मैं डब्बे के अंदर ले लूँगी, और ये दूध ले लिया है मैंने मोलू के लिए, क्योंकि वो उसको बिना दूध के नहीं चलता है, उसको दिन में 2-3 बार दूध चाहिए। तो बस यहाँ पर ना फिर मैंने इस टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया, और ये लास्ट काम रह गया था मेरा गैस साफ़ करने का, तो उसको भी मैंने अच्छी तरह से सर्फ डाल गया, नहीं विम लिक्विड जेल डाल के मैंने साफ़ किया है, क्योंकि ना जब इस तरह का खाना बनाऊँ तो गैस बहुत चिपचिपी हो जाती है, और वैसे भी ना एक बार दिन में अगर इस तरह से साफ़ कर दो ना तो गैस बहुत अच्छी रहती है, और चिपचिपाहट या गंदगी ज़्यादा नहीं जमती है। या तो आप दिन में साफ़ कर ले एक बार, या रात में कर ले, पर एक बार है ना विम लिक्विड जेल डाल के, या कोई भी क्लीनर हो उसको डाल के आप साफ़ कर लें, तो आपके कुकटॉप है और यानी किचन है ना बहुत चमचमाता हुआ एकदम नीट एंड क्लीन दिखता है। तो मैं दिन में एक बार तो इस तरह से ज़रूर साफ़ करती हूँ, तभी मेरा किचन एकदम चमचमाता रहता है। कह रही है ले चलो भाई, तो भेजा दो। हाँ बता दो गैस के कैप्सूल कहाँ रखे, अब तो मेरा पेट सही हो गया, सुबह तो यूं बोल रहा था। कांच वाले कबट में किचन में तो बता, जे, जे लेट कर रही है, मैं तो आया कोई घंटा को। मैं रेडी हो रहा, आप तो गांव की भाषा सुन ले, राजा बोल रहा है, राजा गांव की भाषा बोलना, गांव की भाषा बोलना, मुंह बना रहे यार भी तुम्हारे चक्कर में। और अभी बताए पूरा टिफिन विफिन पैक करके जा रही हूँ गाँव, गांव जा रही हूँ, क्योंकि है ना जय सुबह से घर पे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ एक मिनट। तुम आगे आगे मुझसे काम नहीं होता, मैं थक के जाती हूँ काम से आके। और कुछ और तो नहीं लेना, देख खाना तो अंदर ही छोड़ दिया तुमने। ये क्या बात, जिस चीज के लिए जा रहे हो वो चीज घर में ही छोड़ दी है, जब पकड़ बंदर नहीं आ जाए मैं ताला लगा के आ गई। हेलो एवरीवन, तो अभी ना मैं यहीं पर हूँ स्कूल में हूँ, और पता है मैं वहाँ घर से आकर ना यहाँ पर सो गई थी, मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, अभी उठी मुंह धोया, देखो आंखों से लग रहा है ना सोकर उठी, यानी हल्की सी मुझे नींद आ गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को ना अपना वाटर प्यूरीफायर ना उसकी मशीन वगैरह दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि आप मुझे पूरी मशीन दिखाना उसके बारे में बताना, तो मैंने कहा चलिए मैं आई हूँ तो अब आप लोगों को दिखा देती। तो कुछ ये रखी पूरी मशीन, देखिए इस तरह से पूरी ये मशीन आती है, ये 2 टैंक हैं, और वो सब स्टेबलाइजर वगैरह रखे हैं लाइट के लिए। तो चलो दिखाती हूँ अच्छी तरह से। तो ये रही वो मशीन, यहाँ से ये चालू वगैरह होती है, और ये पूरा जो भी है ना पूरा ये जो आपको मशीन दिख रही है यहाँ से लेके ये टैंक तक, ये पूरा यानी उसी का हिस्सा है, मुझे इसके बारे में प्रॉपर पता नहीं है। और ये जो है ना ये कैंडल जो होती है ना पानी को साफ करने वाली वो है, और ये 2 टैंक हैं, और किस तरह से क्या होता है मुझे इसके बारे में कुछ भी डिटेल नहीं पता है। और हाँ ये इससे पानी है ना यानी फिल्टर होता है, ये फिल्टर हैं दोनों ये, और वो कैंडल हैं दोनों छोटी,
तो ये कुछ इस तरह से फिटिंग वगैरह वो सब वही लोग करते हैं आके। और यहाँ पे हमको पता पड़ता है कि पानी का जो लेवल है ना वो कितना रखना है कितना नहीं, इसके बारे में ना वो सारी चीज़ें वो लोग खुद ही बताते हैं जब वो आते हैं तो यहाँ पर पता पड़ता है कि कितना है। 1200 है हमारे वहाँ का, और पता नहीं मुझे पूरा नहीं पता क्या है क्या नहीं इसके बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ बस ये सब जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से मशीन आती है पूरी। कहाँ क्या होता है वो नहीं पता, वो मोटर लगी हुई है एक, और ये यहाँ से ऑन ऑफ करने की सारी चीज़ें लाइटिंग की जो भी होते हैं ना मीटर वगैरह वो है, देखो इस तरह से। अभी क्या कैसे करते हैं मुझे नहीं, आई थिंक ये वाला बटन चालू करते हैं ना तो ये ऑन हो जाती है, और उसके बाद है ना एक मोटर यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ से सप्लाई यानी टंकी के अंदर जो फिटिंग करते हैं ना वो सब चीज़ है। बाकी की चीज़ बाहर चल के दिखाती हूँ। और मोलू देखो झाड़ू लगा रहा है। तो ये हमारा एक स्टोर रूम था ना स्कूल का, तो उसके अंदर हमने इसको लगवा दिया कि ऐसी चीज़ें स्टोर रूम के अंदर चल जाती हैं। तो जब तक स्कूल हमारा अभी चल नहीं रहा है लॉकडाउन की वजह से, तब तक हमने ये काम अपना कर लिया है बस। बाकी तो हमारा ये मेन जो काम है वो नहीं है। तो देखिए इस तरह से, और ये कुछ पानी की बॉटल्स हैं सप्लाई होता है ना उसके लिए। और आरू भी आ गई अपनी ताई के घर पे। थी चल घर चलना नहीं, नहीं जाना, चलो चलो घर चलेंगे चलो। और मैं बाहर भी दिखा देती हूँ एक मिनट। हाँ धूप धूप धूप। तो बाहर देखिए कुछ इस तरह से ये दो टंकी रखी है यहाँ पे, एक में तो समर का पानी होता है बोरिंग का और एक ये फिल्टर का पानी होता है, और ये एक टेम्पो इसमें पानी सप्लाई होता है। बस ये इतना सब कुछ है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। अब हम चले घर पे क्योंकि फिर पानी वाले आने लगेंगे ना, तो रुक नहीं सकती। चलो आरू मोलू को लेके जा रही हूँ। तो मोर की कितनी अच्छी आवाज आ रही है। हाँ बेटा शांति से बैठ, चला आगे और तुम वहाँ पी लेते बेटा पानी। चलो घर चल के पानी पानी पीना, चलो भूख होती जा रही है, मजे आ रहे हैं। ये रहे दोनों के दोनों, दो नहीं तीन, चलो चलो चलो। तो ये शाम का टाइम है और सुबह आज ना झाड़ू पोछा ढंग से नहीं हो पाया था, बस ऐसे ही लिया दिया सा मैंने कर दिया था क्योंकि सुबह मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। फिर मैंने दवाई ली, उसके बाद थोड़ा बेटर लगा, ठीक लगा, तो फिर मैंने ना खाना पीना बना दिया, फिर मैं स्कूल भी चली गई। और स्कूल से आई ना तो फिर मेरी तबीयत भी ख़राब सी लग रही थी मुझे, लेकिन घर बहुत गंदा था ना तो मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा भले तबीयत ख़राब है, घर तो मैं साफ़ कर ही देती हूँ, तो पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया। अचानक से बारिश होने लगी पोछा लगाते लगाते, तो फिर मैंने सब सारे गमले वगैरह सरका दिए ताकि उनमें थोड़ा सा पानी लग जाए, और बस पूरे घर में बचा कुचा जो पोछा है ना वो भी कर लूँगी। पोछा स्टार्ट किया था ना तो कुछ भी मौसम ख़राब नहीं था, और पोछा लगाते लगाते ही बारिश आ गई, लेकिन बहुत कम बारिश आई थी, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं आई थी। तो मूड ख़राब हो गया, अगर बारिश थोड़ी और अच्छी आ जाती ना तो अच्छा लगता, ठंडक हो जाती। तो फिर मैंने क्या किया कि पोछा लगा दिया, घर साफ़ कर दिया, और आरू मोलू को देख रहे हो कितनी मस्ती कर रहे हैं वो दोनों वहाँ पर। मैं मना कर रही थी कि बीमार हो जाओगे, लेकिन मान नहीं रहे थे, बस नहाए नहीं थे, बस थोड़ा बहुत भीग गए थे। तो फिर मैंने उनके कपड़े चेंज कर दिए थे और ख़ुद के भी कपड़े चेंज किए क्योंकि मेरे कपड़े भी भीग गए थे, और बारिश के भीगे हुए कपड़ों में तो रहना नहीं चाहिए, नहीं तो खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है।
तो गांव से आई, उसके बाद अभी मैंने पोछा किया, आप लोगों ने देखा ना, और अब देखिए पूरा घर साफ, और ये कपड़े पड़े इतने सारे घड़ी करने के लिए, लेकिन देखो पूरा घर यहाँ से साफ कर दिया, ये किचन भी मेरा पूरा साफ सुथरा सब कुछ पड़ा है, और अभी बस ये कपड़े घड़ी करने हैं, ढेर सारे कपड़े चेंज करने हैं, क्योंकि देखिए ये बारिश का नतीजा, मैं बारिश में भीग गई हूँ, तो क्योंकि मोलू ने ना इडली के कुकर के अंदर पानी भर के फिर से पूरा घर गंदा कर दिया था, तो बेडरूम सब साफ किया, बाहर तो बारिश हो ही रही है अभी, और स्किन कैसी चमक रही है, लाइट हो रही है, नहीं साइन हो रही है, तो अभी कपड़े घड़ी करती हूँ और लाइट का वेट कर रही हूँ, लाइट आ जाए तो शांति मिले, लेकिन अब बारिश आ रही है तो लाइट नहीं आएगी, तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर एंड, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक मिनट, तुम भीगे हो ना, अब तुम वहीं खड़े रहो डोरमेट पे, अंदर मत आना, और हाँ वीडियो एंड तब करूंगी मैं, आपको कपड़े घड़ी करते हुए ना दिखा दूंगी, उसके बाद करूंगी, तो चलिए बाय करते हैं और उसके बाद कपड़े घड़ी करूंगी, उसके बाद फाइनल बाय होगा। ओके, तो बस 5 मिनट बाद ही बारिश भी चली गई, मैंने अपने कपड़े तो चेंज कर लिए, लेकिन मोलू के देखिए अभी बाकी है करना, पर मैंने कहा पहले वाइपर कर देती हूँ, क्योंकि फिर आरू मोलू बार बार अंदर बाहर करेंगे तो पूरा पोंछ बराबर कर देंगे, पूरा घर दोबारा से गंदा हो जाएगा, तो पहले मैंने ये काम किया, उसके बाद मैं कपड़े घड़ी करने जाऊँगी, जो कि अब मैंने आपको दिखाए थे सोफे पे ढेर सारे कपड़े पड़े थे, लेकिन इस वक्त से ना मेरी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी फिर से, क्योंकि दवाइयों का असर कम हो गया, और मुझे अगर एक बार गैस की प्रॉब्लम हो जाए ना तो 3-4 दिन चले जाते हैं मेरी बीमारी में, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बीमारी और ज़्यादा बढ़े, तो फिर रात को 11 बजे यानी कंट्रोल किया मैंने जब तक हो पाया, उसके बाद जब लगा कि अब कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर रात के 11 बजे जो है मुझे हॉस्पिटल लेके गए, और मुझे वहाँ पर 2 इंजेक्शन लगे, तब जाकर रात को थोड़ा सा सुकून मिला, लेकिन मोलू को इचिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी उसको, क्योंकि वो बारिश में नहाया, पूरे दिन गाँव में रहा, तो गर्मी की वजह से उसको भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो पूरी रात नहीं सो पाई, लेकिन हाँ अब मेरी तबीयत मॉर्निंग में उठ के ठीक है, मैं बता देती हूँ क्योंकि फिर आप लोग टेंशन लेंगे, अब सुई यानी इंजेक्शन लग गया उसके बाद मेरी तबीयत ठीक है अभी तो, और थोड़ी बहुत गैस है तो वो 1-2 दिन उसका असर रहेगा बीमारी का, और इस वक्त आप लोगों को मेरे चेहरे पर दिख रहा है कि पसीना कितना ज़्यादा आ रहा है, तो बस ये रात के 11 बज रहे हैं और मैं आरू मोलू हम सब यहाँ पर क्लिनिक के बाहर बैठे हैं, क्योंकि गाँव तो गाँव में आसपास का माहौल आपको ऐसा ही दिखेगा, तो उन्होंने कहा कि भाभी आपको तो 2 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, बोले ये जब तक हम 2 इंजेक्शन नहीं लगाएंगे ये जो बीमारी है ना सही नहीं होगी, क्योंकि गैस की वजह से चक्कर और सर में दर्द दोनों चीज़ स्टार्ट हो गई थी बहुत, तो उन्होंने कहा कि इंजेक्शन ले लीजिए तब, ताकि आप सुबह तक ठीक हो जाओगे, और ये मेरे रिश्ते में देवर लगते हैं, तो इसीलिए मुझसे हंसी मजाक भी कर रहे थे, मैं उनसे मजाक कर रही थी, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, और अब मैं